ये है हमारा भाई साहब दोस्त, जो कि ये घर छोड़ने के है। बाद इसकी बहुत ज्यादा याद आने वाली है। कुछ बोलो तो भाई साहब, और इसे बहुत दोस्ती हो गई है, तो मेरे वैसे नए गाइस वाले घर इसका में आओगे रिजल्ट ना? आया तो ये हाँ, बहुत क्या ही तो बताऊं। रिजल्ट आता है तो तुम्हारा भी तो मूड अपसेट होता है, लेकिन मेरे भाई साहब बहुत होशियार है पढ़ने में। तो नए वाले घर में आओगे ना थर्ड मिलने? हाँ हम लोग फिर आया करेंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ भाई साहब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है, बहुत टेंशन वाला ब्लॉग है, जो कि घर शिफ्टिंग का ब्लॉग होने वाला है। और जैसा कि मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई थी, जून का टाइम में मैं शिफ्ट हुई थी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यहाँ पे रहते, लेकिन फिर से मुझे अभी घर शिफ्ट करना है। और आप देख सकते हैं इतना सामान वगैरह सब कुछ मेरी पैकिंग चालू करनी है, और यहाँ पे अभी एसी वगैरह फिर से निकलवाने पड़ेंगे मुझे, बहुत सारा काम रहेगा। मैकेनिक आएगा, एसी निकालेगा, टीवी वगैरह सब कुछ फिर से निकलवाना पड़ेगा। तो ये हुआ था, मतलब इतना जल्दी मैं घर शिफ्ट क्यों कर रही हूँ, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन भी है, और पर्सनल भी नहीं कहना चाहिए, तो मैं बताऊँगी आगे चल के कि मैं घर शिफ्ट क्यों कर रही हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, मतलब अभी मैं 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। हालांकि मेरा सामान अभी बहुत सारा कम हो गया है, क्योंकि जब मैंने 3 महीने पहले घर शिफ्ट किया था, तो अपना बहुत सारा बड़ा बड़ा सामान सब अपने मम्मी के यहाँ भिजवा दी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था। तो अभी मैं सिर्फ अपनी यूज की चीज़ें रखी हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार अभी तो मेरा दर्द जितने भी लोग किराएदार हैं, किराए से रहते हैं, वही लोग सिर्फ समझ पाएंगे कितनी परेशानी होती है घर शिफ्ट करने में। और ये मैं रिसेंटली बहुत जल्दी से कर रही हूँ, लगभग 3 महीने में, और इससे पहले मैं कभी भी इतना जल्दी घर खाली नहीं करती। और ये काम बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, सारा घर का सामान मुझे अकेले ही समेटना है, सब कुछ मुझे अकेले करना है, मुझे भी जितना लग रहा है मैंने ये सब कुछ पैक कर रखा है, और अकेले इसलिए करना है कि ये घर मेरी मर्जी से खाली हो रहा है मेरे हस्बैंड का। ठीक है, करना है, तुम्हारा इच्छा है तो तुम करो, लेकिन सारा काम तुम्ही को करना है एज यूजल, हमेशा की तरह। पिछली बार भी बहुत सारा काम मैंने अकेले करवाया था, तो अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि जॉब जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे, बहुत प्यारी सी चीज़ है ये करवा, मेरा पिछले साल का है, और इसको मैं उस वाले घर से भी लेके आई थी। और उस घर से जब मैं आई थी तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ था ब्लॉग बनाने का, हालांकि मेरा चैनल था यूट्यूब का, क्योंकि उस घर में मेरी इतनी सारी यादें थी, इतनी सारी यादें थी। 9 साल मैं उस घर में रही हूँ अकेले, मतलब सब कुछ मेरा वहाँ से छूटा है। इतने सारा मेरा फ्रेंड सर्कल, इतना जिम में मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड बने थे, पूरा फ्रेंड सर्कल था मेरा। आप समझ सकते हो एक ही जगह पर 9 साल रहना, मतलब कितना ज़्यादा बड़ी बात होती है, और इतनी मेरी पहचान थी। तो मेरे बिल्कुल भी उस वहाँ पर हिम्मत नहीं हो रहा था कुछ भी ऐसा ब्लॉगिंग वगैरह करने का, क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ पे रोना आ रहा था कि मैं उस जगह से जा रही हूँ और घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मैंने काटा है उस घर में, मेरा बेटा पूरा वहीं पे बड़ा हुआ। तो कहीं पे इतने लंबे टाइम तक रहना, मतलब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था जब मैं उस पुराने वाले घर में गई थी, तो अभी वहाँ पे बड़ा हुआ है, पूरा 2 साल का था करीब करीब, फिर वहीं से स्कूल जाना शुरू किया, वहीं से इतना बड़ा हो गया, तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। और सबसे ज़्यादा इतने दिन मैं उस शहर में रह गई, हस्बैंड के बिना भी मैं 4-5 साल रही हूँ, मतलब वो 2 जगह जॉब करते थे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे, ऐसे करके तो मैं रही आती थी आराम से। लेकिन अभी यहाँ पर भी बहुत सारी यादें बन गई हैं, क्योंकि जहाँ पर भी मैं रहती हूँ तो थोड़ा सा मुझे इमोशनली अटैच बहुत जल्दी हो जाती हूँ मैं, तो मैं 3 महीने यहाँ पर रही हूँ, यहाँ पर भी बहुत अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, और मकान मालिक वगैरह सबको यहीं पे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि अच्छा मिल गया है मुझे घर अभी। तो यहाँ पे मैंने अभी एक रेसिपी देखी थी आलू पराठा बनाने के, सबसे आसान तरीके, क्योंकि हस्बैंड अभी तो है नहीं, 2 दिन के टूर में बाहर गए थे, तो हम लाला बस है, तो मैं सोची कुछ जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि पैकिंग भी कर रही हूँ, फ्राइडे का दिन से मैंने शुरुआत करी थी, तो बस वही सब कुछ कर रही हूँ, और सैटरडे को सारा कुछ हमको शिफ्ट करना है। तो बस यही अभी मैं क्या ले ली हूँ, आटा ली हूँ गेहूँ का, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सत्तू का आटा, यहाँ पर बेसन बताया गया था पर सत्तू मेरे पास रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैंने डाल लिया। और मैगी मसाला मैंने डाला है, फिर सारे मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर देंगे, गरम मसाला सब कुछ जितना कुछ है सारा ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा आलू इसमें उबाल के बताया था, मतलब बॉयल आलू आपको डालना है, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, और ये भी बोला था कि आप घिस के भी डाल सकते हैं, तो मैं आलू को बढ़िया ग्रेट कर ली हूँ, जैसे अदरक वगैरह आप करते हैं वैसे कर लेंगे, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दी हूँ, और सारा कुछ इसका एक बैटर बना लेना है, जैसे अचेला वगैरह का बनाते हैं उस टाइप से। और जितना भी आलू और प्याज भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बेटे को मेरा थोड़ा सा प्याज अच्छा लगता है, यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया है, तो आलू प्याज वगैरह सब कुछ इसमें अच्छा घिस के और डाल देंगे, और डालने के बाद एकदम अच्छे से इसको पूरा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। मैंने आलू घिस लिए हैं, और यहाँ पे अभी मैंने ये डोसा तवा लिया है, यहाँ पे लगा देती हूँ घी, क्योंकि जब जब भी मैं लाला के लिए कुछ बनाती हूँ तो घी ज़्यादा लगा देती हूँ, क्योंकि अलग से घी नहीं खाता है। फिर इसके बाद जो हमने बैटर बनाया था उसको इस पर
डाल के और अच्छे से थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे इस तरीके से, हल्के हाथ से बिल्कुल करना है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि थोड़ा जल्दी से मैं बनाना चाह रही हूँ, वीडियो लंबी ना होने पाए। और इसके बाद जैसे ये ड्राई महसूस होने लगा है हमको, सूखा सूखा सा हो गया है ऊपर में, तो हल्का हल्का तेल वगैरह या घी वगैरह कुछ भी आप लगा के और इसको आप पलट लेंगे। और पलटने के बाद इसको उलट पलट के अच्छे से दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। और सेकने के बाद ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब दिखने में वैसा तो नहीं था जैसे उन्होंने बताया था, लेकिन खाने में बिल्कुल टेस्टी था। क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती ये किया था कि यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू नहीं लिए थे, अगर मैं उबले आलू लेती हूँ तो ये बहुत फाइन बनता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और मैंने प्याज भी मिक्स किया था कि प्याज अच्छा लगता है, तो ये फाइनली बन के रेडी हो जाएगा और इसको किसी भी सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो लाला तो ज़्यादातर सेजवान चटनी के साथ में खाता है। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है और बहुत टेस्टी बना था। और जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको भी टेस्ट कराई, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा फीलिंग भी होता है क्योंकि गेहूं का आटा रहता है, तो आप खाएंगे तो पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये मैंने प्रॉपर इसको सेक लिया है दोनों तरफ से उलट पुलट करके। घर दिखा देती हूँ अपना, कहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बादल हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ ये जस्ट सामने में जहाँ पे ये भैया लोग हैं, यहाँ पे हमको शिफ्ट होना है और ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन बिल्कुल पास में है, पर मेहनत तो उतनी ही लगती है। और उसके बाद ही कर रही हूँ, पैकिंग भी हो रही है मेरी और एक तरफ मैं खाना भी बना रही हूँ। खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे 2 दिन से टूर में थे, बाहर में थे, तो अभी कुछ बना लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बना रही हूँ। और अभी 2 दिन से हम लोग घर में कुछ भी नहीं बनाए थे, तो मेरी सब्ज़ियाँ बहुत सारी ख़राब हो गई हैं। जब हस्बैंड नहीं रहते तो हम बिल्कुल ऐसे घूमते हैं, बिल्कुल गाड़ी लेके बिल्कुल बाहर बाहर खाएंगे मैं और मेरा बेटा, क्योंकि मुझे काम वाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खाना बनाना बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं करता है। तो अभी मजबूरी में सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि जो सब्ज़ियाँ मेरी ख़त्म हो रही थी सारा कुछ मैं बना रही हूँ। दिखा देती हूँ क्या क्या सब्ज़ी जो मेरी ख़त्म हो रही। एक तरफ मैंने ये करेले कट के रख कर करके रख लिए हैं क्योंकि ये भी ख़राब हो रहे थे, करेले बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और इधर ये बरबट्टी है और इधर ये आलू भी है, तो सारा कुछ मैं मिक्स करके बना दूंगी। और जैसे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बचती है तो मैं अपने घर में हमेशा ऐसा करती हूँ। और इधर बहुत सारा प्याज लहसुन और मिर्ची हमने काट के रख लिया है, इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं सब्ज़ी बनाने लग जाऊँगी तो पता नहीं लास्ट में मैं क्या ही बना देती हूँ सब्ज़ियों का, पता नहीं कौन सा वेज बोलेंगे इसको, मिक्स वेज बोलेंगे क्या बोलेंगे। मैं अपनी भाषा में तो इसको आलसियों की सब्ज़ी बोलती हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आलस आता है तो बस जल्दी से इसको बना दूँ फुर्सत। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बघार के रख दूँगी, धीमी आँच में पकती रहेगी क्योंकि सब्ज़ी हमेशा धीमी आँच में पकाने से बहुत टेस्टी बनती है और सूखी सब्ज़ी तो हमेशा धीमी आँच में ही पकानी चाहिए। और इसके बाद फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके रेडी भी हो चुकी है। और यहाँ पे बस मैं बहुत सारा काम ये करके रख ली हूँ, कपड़े वगैरह सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, ये पूरा कपड़ा है। और इसके बगल में एक और है तो मैं दिखाती हूँ, ये भी पूरा कपड़ा है और एक कार्टून फिर से कपड़ा है। इतना ज़्यादा कपड़ा है कि मैं कपड़ों से परेशान होंगी, मेरा मन नहीं करता कपड़े लेने का। और यहाँ पर मैंने फाइनल अपनी थाली रेडी कर ली है, हस्बैंड से पूछा तो बोले कि मैं कुछ हैवी खाया हूँ लंच में, तो अभी तो खाना नहीं है तो अभी मैं फाइनली खा लेती हूँ क्योंकि दिन भर से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, अच्छे से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो उन्होंने बस चाय पीने के लिए बोला तो इधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ और जब तक चाय अच्छे से पकेगी तब तक मैं खाना भी खा लूँगी। और चाय जितनी धीमे आँच में पकेगी जितनी देर तक पकती उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो टेस्टी चाय पीना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे थाली मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने सारा कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। और उसके बाद से हस्बैंड जैसे ही आए तो उन्होंने सारा कुछ जितना कार्टून वगैरह था ऊपर में खाली खाली कार्टून सारा कुछ बाहर निकाल दिया क्योंकि सामान ज़्यादा हम पैक नहीं करेंगे कार्टून में, पास ही में जाना है। और यहाँ पर अब डे वन शुरू हो गया है, मतलब सैटरडे का दिन है, सुबह का वक्त है तो भैया लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर एसी वगैरह निकाल दिए हैं। और आज सैटरडे का दिन है तो डाला का हाफ डे रहेगा, तो यहाँ पर मैंने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना दिया था और ऊपर से डाल देती हूँ सेजवान चटनी क्योंकि सेजवान चटनी बहुत ज़्यादा मेरे घर में खाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है, सॉस से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करके और उसको दे दूँगी टिफ़िन में। और यहाँ पे अब भैया लोग एसी का वायर वगैरह लेके चले गए हैं और सब कुछ चला गया है, एसी का जितना भी सामान है। तो यहाँ पे अब मैं लेके बैठ गई हूँ अपना जो भी मकैनिकगिरी करने, बहुत बड़ा काम जो कि बेड खोलने का काम है जो कि हमेशा मैं ही करती हूँ, मुझे आता है और अच्छा भी लगता है। तो सारा बेड मैं खोल के फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पूरा बेड खोल लिया है, तो देखिए आगे बने रहिए वीडियो में। और बेड खोलने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और अभी मैं पूरे बेड का मैं पोस्टमार्टम कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने पूरा बेड खोल दिया है। और यहाँ पे भी मुझे ड्रेसिंग का काम बहुत जल्दी से करना है, सारा ड्रेसिंग खाली करना है क्योंकि लेबर वगैरह सारी कुछ आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी से पूरा सामान उतार देंगे। और यहाँ पर मंदिर वगैरह भी मैं पूरा निकाल लेती हूँ। और फाइनली यहाँ पे बहुत सारी लेबर मिल गई थी तो सारा कुछ बड़ा बड़ा जितना भी आइटम था फ्रिज वगैरह सारा कुछ उन्होंने उतार दिया है, मतलब पूरा यहाँ से सारा सामान चला गया है। और ये पूरा एरिया अभी मुझे साफ़ करना है, हालांकि हमारे उधर बोलते हैं, मैं जानती भी हूँ कि जिस दिन आप घर खाली करते हो तुरंत जब घर से कोई निकलता है तो झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो अभी फाइनली यहाँ से सब कुछ खाली हो चुका है और मैं यहाँ पर साफ़ करने आई हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा है देख सकते हैं। और अभी क्या है तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब आप घर छोड़ते हो तो या कि कोई घर से जाता तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, लेकिन मैं तुरंत के तुरंत करती हूँ क्योंकि यहाँ पे
वगैरह भाई वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वो फिर एक दो दिन का बाद करवाना होता है। लेकिन मकान मालिक लोगों के अंदर इतना सब्र नहीं होता है, वो तुरंत से घर देखने आते हैं तो उनको जस्ट यही लगेगा कि पूरा गंदा करके चले गए हैं। तो मैं फिर अपने हाथ से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई बोले ना कि ऐसा करके चले गए हैं। तो मैं अपने हाथ से कर देती हूँ, मुझे थोड़ा संतोष भी रहता है। आप लोग देख सकते हैं मेरी किचन की खिड़की रहती थी जहाँ पर मैं वीडियो वगैरह बनाया करती थी। बाहर मेरा गार्डन है जहाँ पर मैं आपको हमेशा दिखाया करती थी कि मेरा गार्डन है, और सारा कुछ खाली हो चुका है। मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये पूरा गार्डन एरिया है जहाँ पे हमेशा मैं आप लोगों को दिखाती थी कि आज ये फूल आया है, कल वो फूल आया है, और लकली यहाँ पे बहुत सारे फूल आए हैं। गेंदा भी यहाँ पे खिला हुआ है और यहाँ पे गुलाब का भी फूल लगा हुआ है। तो अब लास्ट टाइम मैं आपको एक गार्डन दिखा देती हूँ और इसके बाद बस हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाला अपनी साइकिल लेके जा रहा है, और क्योंकि अब ट्यूशन का वक्त हो गया है तो लाला ट्यूशन तो अपने से चला जाता है लेकिन साइकिल से नहीं जाता, क्योंकि साइकिल पुरानी हो गई है और रखे रखे ही पुरानी हुई है, छत में पड़ी रहती थी। तो अभी यहाँ पे पूरा एरिया ऐसे, ये लाला पहुँच गया घर, और इसके बाद मैं पूरा क्लीनिंग कर देती हूँ, एकदम पूरा मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने पूरा साफ़ किया है। तो पूरा किचन का जो पूरा प्लेटफॉर्म था मैंने पूरा ऐसे चमका दिया है, और इसके बाद मैं दिखा देती हूँ रूम वगैरह भी सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेहनत बहुत लगी है, पर सारा क्लीन हो गया है। और जो कुछ ये बेड वगैरह आप देख रहे हैं तो बेड अंकल के थे, दोनों मकान मालिक के थे, और टीवी वगैरह जो सामान बेड के ऊपर है वो हमारा है। तो टीवी अभी टीवी वाले भैया नहीं आए, तो फिर उसके बाद ये पंखा और ट्यूबलाइट सब कुछ यहाँ पे मकान मालिक लोग ही दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। ट्यूबलाइट और पंखा मकान मालिक की तरफ से रहता है। यहाँ पे तो बेड भी थे दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। हर जगह जहाँ पे भी अब घर लोगों ने अभी जहाँ हम नए शिफ्ट हैं वहाँ पे भी फ़ैन और ट्यूबलाइट मकान मालिक की तरफ से है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है थोड़ा सा। और यहाँ पे वॉशरूम था आप देख सकते हैं, ये इसके बाद सीधा वॉशरूम हो जाता, तो सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस अभी इस घर का मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, और फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, और सुबह में क्या खाई थी मुझे याद भी नहीं है, मैंने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि ऐसे गंदे गंदे में मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, और ये कपड़ा तो शायद मैं कल से पहनी हूँ, नहीं पता, नहीं चेंज किया है मैंने, लेकिन कुछ भी ऐसे खाने का मन नहीं करता, किस किस होता रहता है। अब फाइनली नहाऊंगी, फिर हम लोग कुछ बाहर खाएंगे। हालांकि मैं समोसे वगैरह मंगा ली होगी तो कुछ तो खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लाला तो ट्यूशन गया है अभी, तो इस घर का हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस टीवी लगानी बाकी है। तो टीवी वाले भैया आएंगे तो लेके चले जाएंगे, और बस मैंने अभी मुँह धोया और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और उस घर में भी मैंने पलंग सेट किया था अभी, और बस वहाँ भी थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी क्योंकि बिना इसके मन नहीं लगता है। तो बस, तो फाइनली पूरा घर खाली हो चुका है, और अभी मुझे यहाँ से जाना है लाला को लेने, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो चुका है। और इसके बाद बस लाला को लेकर अब सीधे मैं मिलती हूँ अपने नए घर में। तो अब मैं वहीं का ब्लॉग आगे का देखने को मिलेगा आपको कि पूरे सामान वगैरह कैसे अरेंज किया हमने, कैसे जमाया, सारा कुछ मैं खाली कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा सर का दर्द होता है रूम चेंज करना। तो बस फाइनली थोड़े थोड़े गमले बचे हैं जो कि मैं स्कूटी से जितनी बार भी आऊँगी जाऊँगी ले जाऊँगी। तो कुछ गमले मेरे भी थे, और सुबह से बस शाम हो चुकी है, शाम 6 बजे का टाइम है, अब देख सकते हैं पूरा दिन हो गया हमको। हालांकि पैकिंग मैं परसों फ्राइडे शाम से कर रही थी या कि दिन से कर रही थी। तो अभी फाइनली हम लोग नए घर आ चुके हैं, और अभी मैं थोड़ा सा बस दिखा देती हूँ, ये हमारा नया घर। और ज़्यादा क्या दिखा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो लाला ये बचा के लाया थे स्कूल से, वही खा रही हूँ। थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो ऐसे सब कुछ अभी फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा जमाना पड़ेगा। और ये किचन में सारा कुछ अभी हम लोग ऐसे रखवा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा अभी जमाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद फिर जब पूरा सेट कर लूँगी फिर एक बार मैं दिखाऊँगी आपको अपना नया घर। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें सारा कुछ मैं बताऊँगी कि मेरे घर का ले, क्योंकि इतना जल्दी और नए घर में आते ही लाला की बन गई है मैगी। तो अब लाला अपना